हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज हम पढ़ाई करने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ मोटर पावर रेटिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ाई करने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ मोटर पावर रेटिंग के बारे में। अब दोस्तों, इसमें हम क्या पढ़ाई करेंगे, इसमें हम पढ़ाई करेंगे आज कि मोटर की पावर रेटिंग को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, या फिर हम ये पढ़ाई करेंगे कि जब हमें एक नया मोटर डिजाइन करना है फिक्स पावर रेटिंग का, तो हमें किन किन फैक्टर्स का ध्यान में रखना पड़ेगा, किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो सिलेक्शन ऑफ मोटर पावर रेटिंग को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है दोस्तों, वो आपका है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसको एक एक टॉपिक को डिटेल में देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट। दूसरा फैक्टर जो आपका है वो है आपका क्लासेस ऑफ ड्यूटी और लोडिंग कंडीशन। ठीक है, और लोडिंग कंडीशन। तो तीसरा है आपका दोस्तों, वो है आपका इनर्शिया ऑफ लोड। और जो चौथा है दोस्तों आपका, वो है इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है दोस्तों, तो ये चार फैक्टर्स हैं जो मोटर की रेटिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों हीटिंग इफेक्ट से। हम देखेंगे कि अगर हमें मोटर को डिजाइन करना है तो हीटिंग इफेक्ट किस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई सिलेबस में इसको थर्मल कंसिडरेशन का भी नाम दिया है दोस्तों, थर्मल कंसिडरेशन का भी नाम दिया है कई जगहों पर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हीटिंग इफेक्ट किस तरीके से मोटर की पावर रेटिंग को इफेक्ट करता है, या हीटिंग इफेक्ट के आधार पे किस तरीके से मोटर की पावर रेटिंग कंट्रोल होती है या गवर्न होती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब हीटिंग इफेक्ट में दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। ठीक है, अब टेम्परेचर की बात क्यों करना चाह रहा हूं, क्योंकि मोटर का जो टेम्परेचर का राइज है वो एक लेवल से, एक लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकता। मतलब टेम्परेचर राइज है जो मोटर का, इज लिमिटेड। मोटर का जो टेम्परेचर राइज है वो लिमिटेड है। अब दोस्तों ऐसा क्यों है, ये लिमिटेड क्यों है, मोटर का टेम्परेचर जो राइज है वो एक लेवल से ज्यादा क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि ये इंसुलेशन से गवर्न होता है। इंसुलेशन, तो मोटर के अंदर इंसुलेशन है, इंसुलेशन से गवर्न होता है। जैसे आप जानते हैं दोस्तों, जो हम वाइंडिंग करते हैं वो इंसुलेटेड वायर होती है। तो अगर एक लेवल से ज्यादा गए हम, एक लेवल से ज्यादा यानी जो फिक्स टेम्परेचर इस इंसुलेशन पियर कर सकता है, उस टेम्परेचर से हम ज्यादा गए, तो क्या होगा हमारे पास कंसिक्वेंसेस में, क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा या और परमानेंटली मोटर डैमेज हो जाएगी, परमानेंटली डैमेज। ठीक है दोस्तों, तो एक बात ये समझ में आ गया कि मोटर का जो टेम्परेचर राइज है वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकता, और ये किसके द्वारा गवर्न होता है दोस्तों, ये इंसुलेशन के द्वारा गवर्न होता है, जो मोटर के अंदर इंसुलेशन है। अच्छा, अगर नहीं ऐसा किया, अगर एक टेम्परेचर राइज अगर उससे ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट आ या परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं एक चीज में ये बताना चाहूंगा कि इंसुलेशन किस तरीके से गवर्न करता है। जैसे क्लास होता है दोस्तों, तो जैसे इंसुलेशन का अलग अलग क्लास होता है, तो इसमें ई एच बी एफ कामा कामा करके है दोस्तों। अगर मोटर के अंदर पहले एक स्टैंडर्ड क्लास, मोटर के अंदर अगर इस तरीके का इंसुलेशन है, इस मतलब जैसे इंसुलेशन की क्लास है अलग अलग दोस्तों, आपने पढ़ाई भी किया होगा इसके बारे में, अगर इस तरीके का क्लास है मोटर के अंदर इंसुलेशन का, तो वो स्टैंडर्ड मोटर कही जाएगी। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड मोटर। अगर ए क्लास का इंसुलेशन है उसके अंदर, तो ये नॉट स्टैंडर्ड होगा। ठीक है दोस्तों, ये नॉन स्टैंडर्ड होगा अगर इसके अंदर ए क्लास का इंसुलेशन है तो। सो दोस्तों, मोटर की जो कंटिन्यूअस रेटिंग होती है वो इस तरीके से रखी जाती है कि मैक्सिमम टेम्परेचर राइज हो ये इस लिमिट के अंदर हो, जो कि इंसुलेशन गवर्न लिमिट है उसके अंदर हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि
जो टेम्परेचर राइज का एक बहुत बड़ा इशू है। अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि फैक्टर्स क्या हैं जो टेम्परेचर राइज को गवर्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, फैक्टर्स जो टेम्परेचर राइज को गवर्न करते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो टेम्परेचर राइज को गवर्न करता है। अब ये जानना क्यों जरूरी है दोस्तों, मान लीजिए मैं अगर मशीन डिजाइन करने वाला हूं तो मुझे ये तो पता चल गया कि टेम्परेचर राइज का एक बहुत बड़ा इशू। अब दोस्तों अगर मुझे मशीन डिजाइन करनी है तो मुझे पता होना चाहिए कि इस टेम्परेचर राइज को क्या क्या चीजें गवर्न करती है। तो सबसे पहला जो चीज है इस मशीन टेम्परेचर राइज को गवर्न कर रही होगी दोस्तों, वो होती है हीटिंग। हीटिंग ऑब्वियस सी बात है कि कितना हीट जनरेट हो रहा है लॉसेस के फॉर्म में, यानी कितना आपका कॉपर लॉस है, कितना स्क्वायर आर है, उसकी वो गवर्न कर रहा है हीटिंग। ठीक है, ये तो ऑब्वियस आंसर है। ठीक है, जो दूसरा फैक्टर है दोस्तों वो डिसिपेशन, डिसिपेशन ऑफ हीट है। ठीक है दोस्तों, कि जितना हीट जनरेट हो रहा है उस हीट के मुकाबले कितना हीट बाहर के मीडियम में या एयर में या जो भी आपका सराउंडिंग मीडियम है कितना हीट उससे डिसिपेट हो पा रहा है। अब इससे फायदा क्या है दोस्तों, देखिए जैसे अगर मुझे पता हो कि मैं जैसे मुझे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है या टेम्परेचर की वैल्यू लो रखनी है तो मैं कहीं हीटिंग भले ही कितनी हो रही है अगर मैं इस रेट को बढ़ा पाऊं, जो आपका डिसिपेशन ऑफ हीट है अगर मैं इसको इंक्रीज कर पाऊं तो भी मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर पाऊंगा। क्योंकि दोस्तों जो हीटिंग और डिसिपेशन के बीच का अंतर है, जैसे हीटिंग अगर जितनी रेट से हो रही है अगर डिसिपेशन उतने रेट से ही हो तो आपके टेम्परेचर की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगी। उसी को बोलते हैं दोस्तों ये आपकी स्टेडी स्टेट बोलते हैं टेम्परेचर में, तो आप स्टेडी स्टेट टेम्परेचर बोलते हैं उसको, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर जहां पे आपका हीटिंग रेट इज इक्वल टू कूलिंग रेट या हीट ऑफ डिसिपेशन। कूलिंग रेट कहें या हीट ऑफ डिसिपेशन कहें, अगर उन दो चीजें इक्वल है तो उस पॉइंट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, यानी उस स्टेज पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों चलिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अब हमें यह तो पता चल गया कि अगर हीटिंग रेट ज्यादा होगा और डिसिपेशन का रेट कम होगा या कूलिंग रेट कम होगा तभी टेम्परेचर राइज होगा। अब एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं, जैसे मैं मशीन डिजाइन कर रहा हूं, मुझे एक सिचुएशन मुझे मिली हुई है, वहां पे मैं अपने इंसुलेशन की क्वालिटी को बढ़ा नहीं सकता। तो मतलब मुझे यह पता है कि मैं जो लिमिट टेम्परेचर लिमिट जो है टेम्परेचर लिमिट उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पहले से वायर मिल गई है। आप जो भी बोले जो टेक्निकल जो कि हमारे पास है फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल फैक्टर, उसकी वजह से मैं वायर को बदल नहीं सकता, मेरे पास ये चैलेंज है। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर मुझे टेम्परेचर फिर भी इस लिमिट के अंदर रखनी है और मैं इसको बदल नहीं सकता, बदलने का मतलब मैं इसको बढ़ा नहीं सकता, यानी मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई और इंसुलेशन मटेरियल ले आके दे दो या कोई और इंसुलेशन वायर ले आके दे दो हायर क्लास की जिसकी टेम्परेचर बियरिंग ज्यादा हो, जिसकी टेम्परेचर बियरिंग ज्यादा हो, मैं ये नहीं बोल सकता। उस केस में मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं मैकेनिज्म लगाऊंगा इस जो सेकेंड वाला फैक्टर है डिसिपेशन ऑफ हीट उसको बढ़ाने का, क्योंकि मैं हीटिंग रेट नहीं बदल सकता, जितनी मशीन की पावर रेटिंग उसके हिसाब से करंट ड्रॉ होगा और हीटिंग होगा। मैं टेम्परेचर लिमिट नहीं बढ़ा सकता लेकिन मैं इस डिसिपेशन को बढ़ा सकता हूं। इसीलिए मशीन डिजाइन करते समय दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे जब बहुत मेगा जनरेटर होते हैं उसमें हाइड्रोजन ट्यूब्स होती हैं या वहां पे ऑयल्स होती हैं, ऑयल्स लगे होते हैं या फिर कूलिंग एयर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के मीडियम का यूज किया जाता है ताकि डिसिपेशन ऑफ हीट हो पाए। इवन दोस्तों अलग अलग मशीन डिजाइन भी किया जा सकता है, जैसे अगर 3-4 मशीन है तो उस मशीन में हम देखेंगे कि डिसिपेशन ऑफ हीट इफेक्टिव एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अलग अलग डिजाइन में भी हम देखते हैं कि किस डिजाइन का एरिया सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरीके से इस फैक्टर को या तो आप मीडियम बदल के कर लीजिए या कोई और मैकेनिज्म लगा करिए, तो ये मशीन डिजाइनिंग का बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है कि हम किस तरीके से डिजाइन करें कि ये टेम्परेचर लिमिट के अंदर है। तो पहला तो एक तरीका मैंने बताया, मीडियम बदल लीजिए, अलग अलग ऑयल्स डाल दीजिए, कूलिंग एयर बीच में डाल दीजिए, हाइड्रोजन ट्यूब्स डाल दीजिए। और दूसरा तरीका मैंने बताया कि इफेक्टिव एरिया किस डिजाइन का ज्यादा है, अलग अलग तरीके से मशीन को डिजाइन करिए और इफेक्टिव एरिया इंक्रीज कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हो गया दोस्तों ये है। अब तीसरा फैक्टर जो दोस्तों टेम्परेचर राइज का है वो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसको एस से नोट करूंगा मैं अपने नोटेशन में दोस्तों। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मेरे पास अलग अलग मटेरियल का चॉइस है तो मैं उस मटेरियल का सिलेक्शन करूंगा जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। अब एस होता क्या है दोस्तों, एस होता है, इसका पहले यूनिट देखते हैं, उसी से आपको क्लियर में करता है, केजी इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब होता है कि एक केजी मटेरियल का एक डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज करने में मुझे कितना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। मतलब अगर एक केजी मटेरियल है उसका एक डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज करना होगा तो उसके लिए कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, कितना जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो मैं उस मटेरियल को चूज करूंगा जिसका एस ज्यादा हो। तो उससे क्या होगा दोस्तों, अगर ज्यादा हीट रिलीज भी हो रही होगी मीडियम में तो भी उसका टेम्परेचर राइज स्लो होगा, क्योंकि उसको एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से अगर आप इसको जे को इस एस को मल्टीप्लाई कर देंगे आप वेट से और जितना टेम्परेचर राइज, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर राइज में हीट कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उस मटेरियल का, यहां से आपको क्लियर होगा कि जिसका ये जितना ज्यादा होगा, एक केजी मटेरियल का एक डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज करने में जिसका एनर्जी ज्यादा लग रहा होगा वो मटेरियल मेरे लिए ज्यादा सुटेबल है। सुटेबल इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि मुझे डिसिपेशन ऑफ हीट का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम लगता है उसका टेम्परेचर राइज होने में, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन ट्यूब्स का यूज किया तो मैं ज्यादा साइकिल हाइड्रोजन ट्यूब्स की चला सकता हूँ, ऑयल्स की ज्यादा साइकिल चला सकता हूँ, कूलिंग एयर्स की ज्यादा साइकिल चला सकता हूँ, तो मैं ज्यादा अमाउंट में हीट को बाहर भी लेके आ सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का इतना ही आपको फैक्टर्स है जो जिसके ऊपर हमने बात करा। अब आते हैं दोस्तों हम कुछ मैथमेटिक्स के टर्म में भी इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैथमेटिक्स के टर्म में जैसे एक इक्वेशन भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये चीजें गवर्न हो रही हैं। तो इक्वेशन के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि चलिए कुछ टर्म्स पहले एज्यूम करते हैं। तो पहला एच इज इक्वल्स टू ये हीट जनरेटर मानता हूं, ठीक है, पर सेकेंड में, तो इसको मैं जनरेट जे बाई एस इसकी यूनिट है। दूसरा वेट, एक्टिव वेट में दोस्तों में वो वेट होता है जो कि इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तीसरा जो दोस्तों आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया जे के जी बाई इंटू सी डिग्री सेंटीग्रेड इसका यूनिट, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला है दोस्तों वो है ए इज इक्वल्स टू इफेक्टिव एरिया। उसके बाद अगला है जो आपका दोस्तों वो लैम्डा। लैम्डा क्या है दोस्तों, ये समझने वाली बात है। लैम्डा एक आपका डिसिपेशन कांस्टेंट है, ठीक है दोस्तों। लैम्डा आपका डिसिपेशन कांस्टेंट है, मतलब कि कितना हीट डिसिपेट हो रहा है ये उसको बताता है। अब ये बोलोगे ये क्या बात हुई, इसका कितने एरिया में लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट है कितने एरिया में, ये भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है दोस्तों। तो लैम्डा जो होता है उसका यूनिट है जे डिवाइडेड बाय कितने टाइम में, ये पूछे कि लैम्डा कितने टाइम में हीट डिसिपेशन ऑफ हीट है, तो एक सेकेंड में, ठीक है, पर सेकेंड। अच्छा कितने एरिया में, मीटर स्क्वायर में। कितना डिग्री राइज पे, क्योंकि ये जो फैक्टर होता है ना दोस्तों ये टेम्परेचर राइज पे डिपेंड करता है, मतलब कि अगर एक डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर राइज हुआ एक मीटर स्क्वायर एरिया का तो एक सेकंड में कितना जूल एनर्जी लिबरेट होगा। फिर से सुनिए दोस्तों, अगर जैसे मैं यहां पर डिग्री सेल्सियस, अगर एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुआ एक मीटर स्क्वायर एरिया का एक सेकंड में, एक मीटर स्क्वायर एरिया का तो एक सेकंड में कितना जूल एनर्जी रिलीज होगा, यानी ये बताता है एनर्जी रिलीज पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस राइज। मतलब एक सरफेस है और मान लीजिए एक मीटर स्क्वायर का सरफेस है, उसका टेम्परेचर एक डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करता है तो पर सेकेंड कितना जूल एनर्जी रिलीज होगा वो इसको बताता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका लैम्डा है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों ये आपका, तो इसके लिए दोस्तों मैं क्या करता हूं कि एक इक्वेशन हम मान के चलते हैं, एक इक्वेशन हम बनाते हैं जिसमें अगर मान लीजिए टी इक्वल्स टू टी पे अगर राइज इन टेम्परेचर, जो राइज इन टेम्परेचर थीटा वो थीटा है, ठीक है, एक राइज इन टेम्परेचर को जनरेट करा उसको थीटा मानना है टी इक्वल्स टू टी पे।
अगले डीटी सेक्शन के लिए हम निकालना चाहेंगे कि राइज कितना होगा टेम्परेचर का। तो अगर अगले डीटी के लिए निकाल लेंगे तो उसी को इंटीग्रेट कर देंगे दोस्तों, तो कभी भी टाइम में आप वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो अगले डीटी के लिए फॉर डीटी नेक्स्ट डीटी टाइम, ठीक है, नेक्स्ट डीटी टाइम एक इंटीग्रल टाइम मान लिया उसके लिए। अब नेक्स्ट डीटी टाइम में हीट, अब इसमें देखो ये दोस्तों मैं करूंगा क्या, हीट जनरेटेड इज इक्वल्स टू राइज इन टेम्परेचर प्लस हीट डिसिपेटेड, यही मैं करने वाला हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों जब ऊपर इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि हीट जनरेटेड पर सेकंड है, तो डीटी टाइम में कितना हीट जनरेट होगा, एच इंटू डीटी, ठीक है। अब तो दोस्तों एच इंटू डीटी किसके इक्वल होगा, डेसिपेशन, डेसिपेशन, चलिए डेसिपेशन के लिए देख लेते हैं कि हीट कितना डेसिपेट हुआ उसको किस तरीके से लिखेंगे। तो लैम्डा लिखा दोस्तों, लैम्डा क्या है, लैम्डा है एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड, तो यहां पे हमें कितने सेकेंड में चाहिए, डीटी में, ये पर सेकेंड है लेकिन हमें कितना निकालना है, डीटी सेकेंड में निकालना है। दूसरा क्या है, पर मीटर स्क्वायर, तो हमारा इफेक्टिव एरिया क्या है, ए, ये पर मीटर स्क्वायर यानी एक मीटर स्क्वायर में है, हमें चाहिए कितने में, ए मीटर स्क्वायर में, तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्या है कि उस समय राइज इन टेम्परेचर यानी कितना था, उस समय राइज इन टेम्परेचर हमने थीटा टी इक्वल टू टी पे कितना माना है, थीटा। तो इस तरीके से ये आपका हीट डिसिपेटेड आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला सेक्शन आता है दोस्तों वो होता है राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर किसके बराबर होगा, एस लिखा, एस क्या है दोस्तों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg, लेकिन हमारे केस में 1 kg कितना है, हमारे केस में कितना है, ये WkG, हमारे केस में WkG है, पर डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन यहाँ पे क्या है मेरा, हमारे केस में हमने नेक्स्ट डीटी के लिए टाइम कितना मांगा, नेक्स्ट डीटी के लिए हमने माना है दोस्तों डी थीटा राइज है, ठीक है, हमने नेक्स्ट डीटी के लिए डी थीटा राइज माना है। तो हमारे लिए कितना होगा, जैसे हमारे लिए कितना होगा इस केस में, डिग्री सेंटीग्रेड के कितना लिखना होगा, डी थीटा, समझ रहे दोस्तों, ये पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज में है, और जब डी थीटा सेंटीग्रेड राइज होगा तो कितना लिखना होगा, तो डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इक्वेशन बनता है दोस्तों। अब इस इक्वेशन में एच इज इक्वल टू डी टी को हर तरफ डिवाइड कर दीजिए, लैम्डा ए थीटा प्लस एस डब्लू डी थीटा ओवर, ठीक है दोस्तों। अब ये इक्वेशन आपको याद आ रहा होगा, ये इक्वेशन आपको याद आ रहा होगा, अगर मैं डी थीटा ओवर डी टी प्लस लैम्डा ए थीटा इज इक्वल टू एच लिखूं, और इस सारे इक्वेशन को दोस्तों इस इक्वेशन को अगर मैं एस डब्ल्यू से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, डी थीटा डी टी प्लस लैम्डा ए बाई एस डब्ल्यू इंटू थीटा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एस डब्ल्यू। तो ये दोस्तों देख सकते हैं, ये एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन बन गया, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन बन गया, डी एक्स बाई डी टी प्लस एम इंटू एक्स इज इक्वल टू के, एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन हो गया, अब डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसको आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अगर आपको कोई दिक्कत आता है इस इक्वेशन को बनाने तक में, आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब इस इक्वेशन के सोल्यूशन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे दोस्तों आप लिनियरली वेरिएबल सेपरेट करके, तो आपको इक्वेशन जो निकल के आता है थीटा का, वो आता है एच बाई लैम्डा ए 1 - e^2 लैम्डा ए डिवाइडेड बाई एस डब्ल्यू टाइम्स टी, ठीक है दोस्तों। अब इस इक्वेशन से आप क्या देख सकते हैं दोस्तों, ये जो वैल्यू है, जैसे अगर टी की वैल्यू, जैसे थीटा टेम्परेचर आपका, अगर टी की वैल्यू हम इन्फाइनाइट डाल दें, टी टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, देन थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी, थीटा एम, ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा एम जो कि स्टेडी स्टेट टेम्परेचर है। तो चलिए दोस्तों टी की वैल्यू इसमें इन्फाइनाइट डालते हैं, तो जैसे ही आप टी की वैल्यू इसमें इन्फाइनाइट डालेंगे तो ये माइनस का टर्म भी ऊपर आता है दोस्तों, ठीक है, ऊपर माइनस का भी टर्म आता है। तो टी की वैल्यू जैसे ही आप इन्फाइनाइट डालेंगे, ये जो पूरी क्वांटिटी है वो जीरो हो जाता है, क्यों दोस्तों, क्योंकि अगर माइनस में इन्फिनिटी होगा किसी भी ग्रेटर देन 1 नंबर के ऊपर, अगर माइनस में इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू टेंडिंग टू जीरो हो जाती है। ई जो है आपका वो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है,
और इसके ऊपर अगर आप माइनस इन्फिनिटी लगा देंगे तो इसकी वैल्यू टेंडिंग टू जीरो हो जाती है। तो इसीलिए आपको यहाँ से थीटा एम की वैल्यू जो निकल के आएगी वो एच लेमडा बाई ए निकल के आएगी। और ये जो वैल्यू है दोस्तों, तो यहाँ पे वैल्यू है जहां पे लेमडा ए अपन एच डब्ल्यू, तो यहाँ पे इस वैल्यू को टाउ कहा गया है। टाउ किस वैल्यू कहा गया, एच डब्ल्यू डिवाइडेड बाई माइनस लेमडा ए, ठीक है सॉरी, इस वैल्यू को टाउ कहा गया, एच डब्ल्यू डिवाइडेड बाई लेमडा ए, इस वैल्यू को टाउ कहा गया है। तो अभी क्वेश्चन को अगर दोबारा लिखना चाहें तो ये इस तरीके का कुछ फॉर्म बनता है, थीटा एम वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, माइनस टी बाई टाउ। तो इसका जो हीटिंग कर्व बनता है दोस्तों वो कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक कैपेसिटर की तरह दोस्तों, ठीक कैपेसिटर की तरह। इसी तरह से दोस्तों आप कूलिंग का भी निकाल सकते हैं। कूलिंग के केस में आपका क्या होगा, कूलिंग के केस में जो एच डी टी वाला टर्म होगा वो आपका टर्म हट जाएगा, केवल और केवल आपका जो भी हीट स्टोर्ड होगा जो कि बॉडी के अंदर स्टोर्ड होगा, जैसे मैंने बताया एच डब्ल्यू डी थीटा, वो आपका डिसिपेट होगा। तो वहां से आप निकालेंगे तो उस केस में आपकी वैल्यू निकल के आएगी थीटा इज इक्वल टू फॉर कूलिंग, उस केस में आपकी वैल्यू निकल थीटा एम ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो वो कूलिंग का कर्व कुछ इस तरीके से निकल के आएगा दोस्तों। तो ये हीटिंग हो गया, ये कूलिंग हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कीजिएगा। अगर इस इक्वेशन को निकालने में अगर आपको दिक्कत आ रहा है वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में सॉल्व करने के बाद, तो आप जरूर हमें एक बार मैसेज कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करने